तो दोस्तों, अगर आपका फेसबुक एड्स अकाउंट डिसेबल हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वीडियो उसका सॉल्यूशन है। मैं हितेश गुप्ता मार्केटिंग फंडा से आपका दोस्त लेकर आया हूं बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज फेसबुक एड्स अकाउंट डिसेबल की प्रॉब्लम हजारों लोगों को फेस करनी पड़ती है, बट कारण अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चलाता हूं और एक मैं यूट्यूबर हूं, तो हमें पता है वो रीजंस के मैक्सिमम किस रीजन की वजह से अकाउंट डिसेबल होते हैं और क्यों होते हैं और कैसे आप किन तरीकों से रिकवर कर सकते हो। तो सब कुछ जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, बिकॉज ऑलरेडी इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख सकते हो बिना पैसा लगाए। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइएगा, बिकॉज फ्री कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट उनको भी मिलना चाहिए ताकि उनका बिजनेस और उनका करियर ग्रो हो। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न करना है ट्यूटोरियल से ही, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग फंडास ग्लोबल पे जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं वो तीन कारण जो मैक्सिमम बार मैंने देखा है अपने फॉलोअर्स, ऑडियंस, जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूं, तो हमारे संग, हमारे क्लाइंट्स के संग भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो मेन तीन कारण है जिस वजह से एड अकाउंट फेसबुक डिसेबल करता है। सबसे पहला, क्योंकि फेसबुक की सिक्योरिटी उसकी प्रायोरिटी है, तो इस वजह से अगर आपका एड अकाउंट 2 IP से ज्यादा पे चल रहा है, अलग अलग लोकेशंस पे चल रहा है, तो उसके चांसेस हैं कि वो डिसेबल हो। दूसरा है दोस्तों कारण कि अगर आपका एड रिजेक्ट हो रहा है, कारण जो भी हो, मगर आपका अगर एड रिजेक्ट हो रहा है और आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की बजाय बार बार एड बनाए जा रहे हैं और वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो एड अकाउंट तो डिसेबल होगा ही होगा, कभी कभी रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, और तीसरा कारण है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट, सर्विसेज या इंडस्ट्री के एड चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं जो डायरेक्ट फेसबुक की पॉलिसीज को वॉयलेट कर रहे हैं, या उन एड्स में ऐसा कुछ लिख रहे हैं या दिखा रहे हैं जो डायरेक्ट उनकी पॉलिसीज को वॉयलेट कर रहा है। तो अगर पॉलिसीज सही से नहीं पढ़ी, तो मैंने वीडियो दे रखा है, पॉलिसीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो हो सकता है वो आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो ये तो हमने जाने कारण, अब हम सॉल्यूशंस जानेंगे कि अगर हो गया है आपका अकाउंट, एड अकाउंट डिसेबल्ड, तो कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके भी कई तरीके। तो दोस्तों, अब बेसिकली तीन जो मेन तरीके हैं अकाउंट रिकवर करने के, वो आप समझिए। दोस्तों, सबसे पहला कि अगर आपने 2-way ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, जब आपने एड अकाउंट बनाया होगा, फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, तो आपने वहां पर 2-way 2-step ऑथेंटिकेशन अगर लगाया है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज कई बार सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से या मल्टीपल लोकेशंस पे जब भी आप ओपन कर रहे हो, तो वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपका अकाउंट डिसेबल करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वहां पर 2-step वेरिफिकेशन काम आता है, तो वो अगर आप सही से कर दोगे, OTP वगैरह आएगा, तो आपका अकाउंट एनेबल कर देगा। अब दूसरा रीजन है कि आपने कोई गलत ऐड चलाया या कोई मिस्टेक कर दी, मान लो उस वजह से उसने आपका ऐड डिसेबल कर दिया। अब उसमें क्या है, आपका 2-way ऑथेंटिकेशन तो लगा हुआ है, मगर फिर भी उसने आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर दिया और उससे वो नहीं भी हो रहा है, तो वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपकी उसके अंदर। और वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक लिंक होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर जाकर आप अपनी आइडेंटिटी अपलोड करो, अब वो आपका अकाउंट एनेबल कर रहा है, क्योंकि वो आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत प्रोडक्ट सर्विसेज, जो कि वॉलेट कर रहे हैं सर्विसेज को, या कुछ गलत आप ऐड चला रहे हो, अगर उसको फिर बार बार चलाओगे, अगर आपने 2-3 बार ऐसे कर दिया और उसने 2-3 बार आपको ऑप्शन दे रहा है वेरिफिकेशन के, आइडेंटिटी के, और वो आपको एनेबल कर भी रहा है, अगर फिर भी आप वो चीज करते रहे और अपनी मिस्टेक नहीं सुधारी, तो आपका परमानेंटली भी अकाउंट बंद हो सकता है। लोग ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए ओपन तो होगा,
मगर आपको गलती दोहरानी नहीं है बार बार, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन लेना है ताकि आगे परमानेंटली बंद ना हो। और तीसरा दोस्तों जो तरीका है वो है कि आप उनके लाइव चैट सपोर्ट पे बात कर सकते हो उनकी टीम से, मगर ये जो ऑप्शन है ये आपको यहां पर शो होता है, ठीक है, तो वो सबको शो नहीं होता, आपको यहां पर जाके देखना पड़ेगा कि ये जो चैट ऑप्शन है इधर आपके आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर चैट ऑप्शन आ रहा है तो आप चैट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, रेजोल्यूशन पूछ सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों पहली चीज, आप अगर वो ऑप्शन आ रहा है तो कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिएगा। और इसके साथ साथ बात और बता दूं कि हर अकाउंट में चैट ऑप्शन नहीं आता, अगर आपका नया अकाउंट है तो, अगर आपका अकाउंट काफी टाइम से चल रहा है और उसमें आप अच्छी स्पेंडिंग करते हो, चैट चलाते हो, तो ऑप्शन जरूर आता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, इस प्रोसेस से अपने अकाउंट को रिकवर करें। तो उम्मीद करता हूं आप अपने अकाउंट को रिकवर करेंगे और आगे आप अपने अकाउंट को डिसेबल नहीं होने देंगे, हर बात का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप हमारी एजेंसी से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।